बैक टू माई YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मफलर का डिज़ाइन जो एकदम सिंपल है, बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ये जिनको चेन डालनी और डबल क्रोशिया बनाना आता है वो इसे आसानी से बना सकते हैं। इसकी औसतन चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच के लगभग होगी। ये देखिए, 9.5 इंच के लगभग होगी। और इसकी लंबाई अभी कम्प्लीट नहीं हुई है, मैं बता देती हूँ कि इसकी हम लंबाई 180 सेंटीमीटर रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। बहुत टाइट चेन नहीं बना रहे हैं, अंदाजे से ही बना लेंगे थोड़ी सी चेनें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ। अब हम अपने चेन्स बनाने के बाद शुरू की 3 चेन्स छोड़कर 4th चेन में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपनी फर्स्ट रो में 22 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और अब हमें लंबाई बढ़ाते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारे ये डबल 22 ही क्रोशिये रहने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, तभी हमारा मफलर सुंदर लगेगा। इस तरह हमने 2 चेन्स बनाकर अपना टर्न ले लिया है, और फिर हम एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट स्टिच पर आ गए हैं। देखिए, ये हमारा चेन वाला स्टिच है, इसमें भी हमने डालना है। कुछ लोग इस जगह से 3 चेन्स लेकर टर्न करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चेन में डालते हैं। ऐसा करने से कोई परेशानी तो नहीं है, 3 चेन्स के बराबर ही एक डबल क्रोशिया होता है, लेकिन ये बीच में एक स्पेस नज़र आता है, और यदि हम 2 चेन्स लेकर बनाएंगे, 2 चेन्स लेकर टर्न कर लेंगे, ये एक चेन हो गई, ये हमारी 2 चेन हो गई, अब हम टर्न करके सेम चेन में बनाएंगे तो किसी तरह का स्पेस नहीं दिखाई देगा और क्रोशेटिंग खूबसूरत आएगी। जब आप प्लेन डबल क्रोशे का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 2 टाइम्स चेन लेकर ही टर्न करें, और मैं इस तरह के 5 राउंड्स बनाने के बाद दूसरे कलर की वूल इसमें ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें ब्राउन कलर का वूल ऐड करूँगी। ये आपकी मर्जी है कि मफलर बनाते समय आप कितनी लेंथ बनाने के बाद बॉर्डर बनाना चाहें, आप 2 लाइनें कम 2 लाइनें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप बस तरीका देखिए कि हम ऐड कैसे करेंगे। जब हम डबल क्रोशिया लास्ट बनाते हैं तो हमारे पास जब क्रोशे में सिर्फ 2 फंदे रह जाते हैं, ये देखिए मैं आपके सामने बनाती हूँ, ये हमारे 3 हैं, 3 से हमने 2 किए। इस पोजीशन में ये वाला धागा पीछे कर दीजिए और इस धागे को अपने फिंगर पर ले लीजिए और इसके ऊपर धागा डालते हुए आप फंदा बना लीजिए, और इसके बाद 2 चेन बनाइए और टर्न कर लीजिए। इस वाले धागे को खींच लीजिए और इसको साथ साथ चलाते रहिए। बस अब फिर वही करना है कि अपनी फर्स्ट चेन में हमने क्रोशिया डालना है, इसको साथ रखना है, और ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया, इसे खींच लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम इसमें अपना वाइट कलर का वूल ऐड करेंगे। ये 1 पे नहीं पहुंचेंगे, 2 स्टिचेस होंगे क्रोशे पे तो हम ऐड कर लेंगे, इसे पीछे कर लेंगे और क्रोशे पे ऊन डालेंगे और फंदा बना लेंगे, 2 में से निकाल लेंगे और हम 2 चेन्स बनाएंगे। इसे टर्न करेंगे, ब्राउन धागे को खींच लेंगे
और अपना सेम चेन में से लेते हुए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, इक्वल रहना चाहिए सब, और नेक्स्ट में बनाते हुए हम अपने रो कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक रो लाइट कलर की कर ली है। अब हमने ब्लैक वूल का यूज़ करना है, तो हम इधर से इसे बना रहने देंगे, यहीं छोड़ देंगे और इस साइड से ब्लैक वूल ऐड करेंगे। तो हम इस वाले थ्रेड को ऊपर ले लेंगे और क्रोशिया हुक फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और इस तरीके से ये हम क्रोशिया के ऊपर फंदा ले लेंगे। ब्राउन वूल को पीछे कर लेंगे, साथ ही टू चेन्स बनाएंगे और सेम चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा इधर से ब्राउन वूल भी ऊपर आ गया, अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से। और नेक्स्ट वाले इस ब्लैक के बाद हमने फिर से अपने वाइट धागे से शुरू करना है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर फंदा पहले से ही तैयार है। इस तरह हमें किसी भी तरह का रंग का धागा काटना नहीं पड़ेगा बीच में। मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने अपनी ब्लैक रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने एक ही रो बनानी है ब्लैक की बॉर्डर के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर अपने गोले में से इस लास्ट के फंदे को निकालते हुए धागा टाइट कर देंगे, एक तरह से बंद कर देंगे, और यहाँ से अपनी क्रीम कलर की ऊन को पकड़ लेंगे। लास्ट वाली चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे, ये हमारा स्मूथ आ जाएगा, एकदम सीधा आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर टू चेन्स बनाएंगे और सेम क्रोशिया में, सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें किसी भी कलर का धागा यहाँ काट के दोबारा लगाना नहीं पड़ा, कोई नॉट नहीं आई, और इस तरह मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। ये जो ब्लैक वूल है इसे थोड़े से डिस्टेंस से काट के फिर हम क्रोशे से अंदर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, जैसे हम अपने ओरिजिनल मफलर में बॉर्डर बनाया हुआ है। इसके ऊपर अब हम मल्टी कलर्ड वूल यूज़ करेंगे और रेगुलर इसकी लेंथ कंप्लीट करते जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बीच बीच में आपको कुछ यूज़फुल टिप्स भी दूंगी जिन्हें आप सीख कर अपने क्रोशेटिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिड में मेरा वूल फिनिश हो गया है। अब मैं ये नया वूल लगाते समय नॉट नहीं लगाऊंगी, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे क्रोशे पर केवल दो धागे हों तो आप नया धागा ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं यहीं पर इसमें धागा ऐड कर लूँगी और इस वाले धागे को और नए धागे को एक साथ पकड़ कर साथ ही मिक्स कर देंगे और अपने नए वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से किसी तरह की कोई नॉट नहीं आएगी और जो साथ में जुड़े हुए धागे हैं वो आराम से अंदर भी चले जाएंगे। अब हमारे पिछला धागा भी अंदर चला गया और अभी जो हमने ऐड किया है वो धागा भी अंदर चला गया है। कहीं से भी हमारा मफलर एकदम नीट बनेगा। फ्रेंड्स, लेंथ कंप्लीट करते हुए जब हमारी लेंथ मात्र 8 इंचेस कम रह जाएगी, यानी कि हमें और मफलर 8 इंच आगे बढ़ाना है, तब हम अपना ये वाला बॉर्डर सेम तरीके से बनाएंगे। अपनी लेंथ यहाँ पर पहुँचकर फिनिश हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इस मफलर के दोनों साइड में जाली बनाएंगे। जाली कैसे बनाएंगे ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमने एक फंदा सा बना लिया है, स्लिप नॉट बना ली है। स्लिप नॉट को इसकी फर्स्ट वाली चेन में पिरोएंगे क्रोशे में और फंदा निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर वही दो चेने लेंगे और सेम स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे।
उसके बाद हम फोर चेन्स लेंगे और यहाँ से थ्री डबल क्रोशे छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और इसके बीच में जो स्पेस है ये थ्री के बाद, इसमें से हम सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर हम फाइव चेन्स लेंगे, यहाँ से थ्री छोड़ेंगे और फोर्थ में सिंगल क्रोशे, फाइव। हमारे यहाँ पे ये टोटल फोर हो जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर थ्री फोर्थ वाले में हमने सिंगल स्टिच, हमारी चेन थोड़ी सी उभरी हुई रहनी चाहिए, दो, यहाँ से थ्री का गैप, फाइव चेन्स बनाते हुए थ्री थ्री क्रोशे छोड़ते हुए हम अपने कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। यहाँ भी हमने फोर चेन्स बनाई थी और एक डबल क्रोशिया बनाया था, इधर भी हम फोर चेन्स बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर लेंगे एकदम प्रॉपरली, डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से टर्न करेंगे, फाइव चेन्स बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले में, इसमें नहीं डालेंगे, इसके हाफ में सिंगल स्टिच से कनेक्ट करेंगे। फिर फाइव चेन्स लेंगे और नेक्स्ट के मिड में से कनेक्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां से कनेक्ट कर देंगे मिड पॉइंट। इस तरीके से हमारी ये बनती जा रही है, हम इसके फोर फाइव राउंड्स बना सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। मैं बनाकर फिर आपको आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, गौर कीजिए कि हमारी यहाँ से सिधाई आनी चाहिए, जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर एक स्टेप पर हमें स्लिप स्टिच लेना है और नेक्स्ट आगे बढ़ते समय हमें वन डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने किया है, यहाँ पर पहुँच कर मैंने इसके कॉर्नर पर स्लिप स्टिच से जोड़ा है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया इसको, ये हमारी चेन सीधी आ गई। अब मैं दो स्टिचेस बनाकर, चेनें बनाकर फर्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये डबल क्रोशिया बन गया, इससे हमारी ये चेन सीधी आ गई। और उसके बाद मैं सिर्फ तीन चेन लूंगी, क्योंकि हमें फैलाना भी नहीं है कि हमारे अगर फाइव चेन्स ले लेंगे तो हमारी जाली ऐसे बढ़ जाएगी। थ्री चेन्स लेकर सेम इसके मिड पॉइंट पर हमने इसको सिंगल स्टिच से जोड़ देना है, इससे हमारी ये चीज़ सीधी है। और अब आगे हम सेम चलेंगे, तीन चार और ये पांच लिया हमने और इसके बीच में से हमने जोड़ दिया। तो इस बात यहाँ पर हमें खास ख्याल रखना है, तीन चार पांच, बाकी सब सेम है। जब आप किनारे पर पहुँचे तो चेक करें कि क्या हमारी जाली फैल तो नहीं रही है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी चेन्स एक या दो आगे पीछे करके आप इसका कॉर्नर सेट करेंगे। और इस तरह अब बस ये लास्ट राउंड है मेरा, इसके बाद मैं इसमें फोमंस डालूंगी। फोमंस बनाने के लिए मैं किसी भी साइज का, जितनी बड़ी आप लंबी चाहते हैं उतने ही साइज का आप कोई गत्ता ले लीजिए। मैं ये वाला साइज लेने वाली हूँ, इसलिए मैं इसके बराबर लपेटूंगी, यहां से पकड़िए और इस तरीके से अपनी ऊन को लपेट लीजिए उतनी जितनी आप आराम से काट पाए, बस। यहां पर मैं इसको ऐसे रख लूंगी और यहां से कैंची डालते हुए हम इसको काट लेंगे। अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो हमारी बिल्कुल बराबर कटेंगी और जल्दी से काम हो जाएगा। अब ये मैं सारी इकट्ठी काट लूंगी और उसके बाद हम इसकी फोर फोर थ्रेड्स लेंगे, इनको इक्वल करेंगे, डबल करेंगे और ऐसे करके एक फिंगर पे लपेट लेंगे। इसकी एक फर्स्ट वाली जाली पकड़ेंगे, ये अपने क्रोशिया हुक में डालते हुए जिस तरह बुनाई की जाती है
चेन ली जाती है डाल देंगे, ये हमारा पक्का हो गया। अब हम फिर से 4 धागे लेंगे इक्वल करते हुए, फिर डबल करेंगे फिंगर पे लपेट के, इसमें नेक्स्ट वाले जाली पकड़ेंगे और इस तरीके से इसे बुन देंगे। हमारी फर्स्ट क्लास झालर लग रही है। बस इसी तरीके से 4-4 वूल के टुकड़े लेते हुए हम अपनी झालर पूरी कर लेंगे। बस डबल किया, फिंगर पे लिया, क्रोशे में इसको पिरोया और ऐसे करके निकाल दिया। बस इसी तरीके से मैं अपने मफलर की दूसरी साइड में भी जाली बना लूँगी और फुमन डाल लूँगी और हमारा मफलर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।